थोड़ा पेशेंट है के। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। पानी चला घोका प्यार सारे को तो पानी सारे को तो आज उठ जा आज रुक तो थोड़ा इश्तिया से ना जानी से नमस्कार सर, हम जयपुर फूड से आए हैं। जयपुर राजस्थान से हम लोग आए हैं और बारामूला में हमारा 3 दिन का कैंप है। फूड टेक संस्था है हमारी, भगवान मालवीय विकलांग सहायता समिति, जो जयपुर राजस्थान में मालवीय नगर में हेड ऑफिस है इसका। और ये संस्था 1975 से चल रही है। जो गरीब लोग होते हैं, इनके लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए लिमका वो करती है। और हम लोग यहाँ पे अभी 3 दिन हमारे यहाँ पे बारामूला में कैंप है, तो 3 दिन हम यहाँ पे इस सेवा पे रहेंगे, जो आप लोगों को अवॉइड होगा। जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं, जो हमारे हाथ पैर जिनके नहीं हैं, उनके लिए वहाँ पर अवॉइड करेंगे बना। जैसे हमारे पास सर 8 एम्प्लॉय आए हैं, BK 8 आए हैं और कैलिपर अभी हमारे पास करीबन 25 के आसपास हो चुके हैं। और अभी शायद और गाड़ी आ रही है, तो हो सकता है शाम तक हमारे पास शायद 100 से ऊपर पेशेंट हो जाएंगे। तो इनके जो है आज की आज ही हम इन लोगों को 2 घंटे से 3 घंटे के अंदर अंदर इनके पैर बनाकर हम लोग देंगे। ये सब हम राजस्थान जयपुर से लेकर आए हैं जी। ये 3 दिन तक कैंप चलेगा सर, 24-25-26 3 दिन का कैंप है ये सर। अभी इंडियन आर्मी की तरफ से हम लोग यहाँ पर आए हैं, इंडियन आर्मी ने हमारे को यहाँ पर बुलाया, तो वही सारा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इंडियन आर्मी वाले। यहाँ आर्मी ने बुलाया था हमें, मैं उड़ी का रहने वाला हूँ, उड़ी ग्वालर। तो आर्मी ने बुलाया था कि टांग वगैरह लगाने की कोई टीम आ रही है बारामूला में, तो उन्होंने अपनी गाड़ी में लाया उड़ी तक, उड़ी से फिर यहाँ भेजा बस में। तो हम शुक्रगुजार हैं आर्मी के, आर्मी हमारी हेल्प करती है, जो हम गाँव के लोग हैं, पहाड़ के लोग हैं उनकी। बाकी मेरी ये गुजारिश है सर, ज़रूर ये दिखाना मीडिया में, मेरी गवर्नर साहब से ये गुजारिश है कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे हमारे जैसे उपायज आदमी हैं, इनकी कुछ हेल्प की जाए ताकि ये अपना घर चला सकें, बाल बच्चे को पाल सकें। क्योंकि सिविल गवर्नमेंट तो जो गवर्नमेंट है, सिविल गवर्नमेंट तो आज है ये वो देंगे, तो ये आर्मी कर रही है सब कुछ सर। तो बाकी तो मेरी ये गुजारिश है गवर्नमेंट से कम इन लोगों के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे उपायज हैं जिनको पोलियो है, बच्चियाँ हैं, औरतें हैं, मर्द हैं, बहुत सारे उड़ी के अंदर गोलाबारी हुई,
तो उससे भी लोग बहुत सारे जनाब ये हो गए जिनकी टांगें चली गई, बाजू चले गए, तो इनके साथ कोई मदद नहीं हुई अभी तक। इसलिए मेरी ये गवर्नमेंट से गुजारिश है, खास करके फौज का तो बहुत शुक्रगुजार है हम, फौज ही हमारे हेल्प कर रही है वहाँ। समिति जो है ये भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर है, जो आर्मी के साथ ये सारे कैंप का आयोजन कर रही है। इससे पहले हमने त्रिगाम कुपवाड़ा में किया था, अभी आज यहाँ से 24, 25, 26 तक बारामूला में ये कैंप रहेगा। इसके बाद हमारा 3 दिन का शरीफाबाद बड़गाम में रहेगा। ये समिति जयपुर फुट है, ये जयपुर की संस्था है जिसकी स्थापना श्रीमान डीआर मेहता साहब ने रखी है, जो सेबी के चेयरमैन और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। इसकी स्थापना 1975 में उन्होंने रखी थी, तब से हम लोग ये कार्य करते रहे हैं। जो ज़्यादा आकर्षक चीज़ है वो हमारी लेग्स है, जिसको जयपुर फुट के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड फेमस जयपुर फुट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हम पेशेंट्स सुबह आ जाते हैं, 2-3 घंटे में उनको आर्टिफिशियल लेग लगा के उनको अपने पैरों में चलाकर उनको अपने घर रवाना कर देते थे। मैं तहसील उड़ी, गांव कंबलकोट, मेरा नाम सईद नादर हुसैन, कंबलकोट से, गांव कंबलकोट से। 13 नवंबर 2020 को अचानक आर पार की छलंग में स्टोर पे मैं काम करता था, जहां अचानक पार से आके छलंग के सेल 2-3 पड़े, जिसमें मेरे साथ 2 बंदे उनकी मौके पे डेथ हो गई और मेरी दोनों टांगें काट गई 13 नवंबर 2020 को। फिर वहां से मुझे श्रीनगर सूरा में ले गया, एक 2 महीने वहां एडमिट रहा, तो वहां पे बहुत मुझे ज़्यादा खर्चा वर्चा हुआ। 1-2 महीने के बाद रेफर किया, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फिर भी मैं बच गया। उसके बाद मुझे HRR के आर्मी, इंडियन आर्मी के अफसरान वगैरह ने हेल्प किया, सद्भावना के थ्रू ये टांगें मुझे वहाँ उन्होंने लगवाई हैं, श्रीनगर से डॉक्टर जहूर से, ये टेक्निकल वाली हैं, पेमेंट की हैं। तो इंडियन आर्मी ने उन्होंने आर्टिफिकेशन लेग्स का किया था, लगभग वो 4 लाख के करीब किया था उन्होंने। उसी टांग डॉक्टर जो डॉक्टर जहूर साहब है श्रीनगर में, बिमना में बैठता है, तो उसी से बात। मेरा नाम सैयद मनीर हुसैन है, मैं कंबलकोट उड़ी का रहने वाला हूँ सर, बॉर्डर इलाके का, वहाँ से जस्ट 5 किलोमीटर LOC है। जब गोलाबारी हुई थी इंडिया बिटवीन पाकिस्तान के दरमियान, दोनों तरफ से शेलिंग हुई थी, तो ये मेरे ब्रदर राशन स्टोर पे काम कर रहे थे सर, डीलर थे, उनके हेल्पर थे, तो ये 3 बंदे थे सर। वहाँ अचानक आके बीच में एक शेल गिर गया, जिसकी वजह से इनकी दोनों टांगें वहाँ ही कट गई और 2 बंदों की ऑन स्पॉट डेथ हो गई, ठीक, दोनों की। तो फिर उसके बाद सद्भावना के थ्रू इनको मैंने ये HRR के द्वारा मैंने ये टांगें दिलवाई थी सर। बाकी गवर्नमेंट ने भी कुछ थोड़ी बहुत हेल्प किया था इनको, 1 लाख के करीब। तो इनकी 4 बेटियां सर, एक ही बेटा है सबसे छोटा, वो होटल में इस वक्त काम कर रहा है, तो वो बच्चों को अपने फादर मदर को फैमिली भी मैसेज भी, इनकी बीमार हैं, इनके फादर मदर बुजुर्ग हैं सर, उनकी देखभाल भी करनी तो है। बहुत अच्छा सर, आर्मी के द्वार हर एक बंदों को, जैसे किसी को माइन फील्ड में लग गया, पोर्टर का काम करते थे, गरीब जनता, उनको बहुत बेनिफिट है सर। वो भी एक आम इंसान की तरह, अगर उनको ये लेग्स वगैरह लग जाएगा तो वो क्या चलेगा, इनके साथ ही उसको हौसला बढ़ जाएगा।